अक्षय तृतीया के मौके पर देश भर में लोगों की सोने की शॉपिंग अनुमान से भी काफी कम रही। सराफा बाजारों में ज्वेलर्स की दुकानों पर लोगों की आवाजाही तो दिखी, लेकिन इनकी ज्वेलरी की जगह दूसरे आइटम्स खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी रही। ऐसे में इस बार अक्षय तृतीया पर सोने में कारोबार उम्मीद से कम रहा, क्योंकि लोगों ने सोने की गिन्नी, सिक्के, छोटे आइटम ज्यादा खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। शुरुआत में अनुमान था कि इस साल अक्षय तृतीया पर गोल्ड की बिक्री 20% तक कम रहेगी, लेकिन अब जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक इस साल अक्षय तृतीया के मौके पर पिछले साल के मुकाबले 50% कम कारोबार रहा है। ग्राहकों ने सबसे ज्यादा सोने की गिन्नी, सिक्के, छोटे आइटम की खरीदारी ज्यादा की है। अगर बिक्री के हिसाब से दिल्ली के आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले राजधानी में ही 250 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। इस कमी की वजह रही इस बार 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपए से ज्यादा है, जो पिछले साल करीब 50,000 रुपए थी। सोने के ज्यादा दाम की वजह से ही ग्राहकों ने इस बार ज्यादा खरीदारी नहीं की है, इसलिए इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर गोल्ड की खरीदारी में कमी दर्ज की गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर कई ज्वेलर्स ने ग्राहकों के सोने की खरीद करने पर मेकिंग चार्ज पर 15-20% तक की छूट भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राहकों ने ज्वेलरी खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि ग्राहकों को महंगे सोने ने खरीदारी से दूर रखा। हालांकि इस बार ग्राहकों ने डिजिटल गोल्ड में भी खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।